दोस्तों सब्सक्राइब करें क्रिकेट 9 यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोस मिले आपको सबसे पहले। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच 7 अप्रैल से हरारे में खेला जाएगा। आपको बता दूं, पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने शानदार खेल दिखाते हुए जिम्बाब्वे पर एक इनिंग्स और 116 रनों से बड़ी जीत हासिल की थी। मैच में पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हसन अली ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में बड़ी जीत दिलाई थी। लेकिन दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच से पहले पाकिस्तान अपनी प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव कर सकता है। तो दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होंगी, जानेंगे हम इस वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। आपको बता दो, पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में दो स्पिनर्स टीम में शामिल किए थे जिसमें नौमान अली और साजिद खान शामिल थे, लेकिन साजिद खान ने इतना खास खेल नहीं दिखाया था। मैच में कोई भी विकेट नहीं ले सके थे, जिसके बाद उनकी जगह पर हारिस रऊफ या फिर शहनवाज धानी को टीम में मौका मिल सकता है। अब अगर दूसरे बदलाव की बात करें तो नौमान अली की जगह पर लेग स्पिनर जाहिद महमूद को टीम में मौका मिल सकता है। आपको बता दूं, जाहिद महमूद युवा गेंदबाज जिन्होंने अफ्रीका के खिलाफ T20 में शानदार गेंदबाजी की थी। तीसरा बदलाव, बॉलिंग ऑलराउंडर फहीम अशरफ की जगह ताबिश खान को टीम में मौका मिल सकता है। आपको बता दूं, 36 साल के ऑलराउंडर को पहली बार टीम में मौका मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कैसी होंगी, जिसमें आबिद अली, इमरान भट्ट, अजहर अली, बाबर आजम, फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान, ताबिश खान, हसन अली, जाहिद महमूद, शहनवाज धानी और शाहीन आफरीदी होंगे। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।